वेलकम स्टूडेंट्स, मायसेल्फ नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, हम पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड हमारा चल रहा है और चैप्टर सेकंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सेपरेशन एंड क्यू वैल्यूज़। ये दो छोटे छोटे शॉर्ट नोट हैं। सेपरेशन और क्यू वैल्यूज़ क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड, ये दो वो टॉपिक हैं जो आमतौर पर हमसे एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं। सेपरेशन, जिसे हम हिंदी में समुत्खंडन कहते हैं, क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन, सबसे पहले जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर चेंज इन द आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इंड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग इट विद द एनर्जेटिक पार्टिकल। एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन या नाभिकीय अभिक्रियाओं की पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी परमाणवीय नाभिक पर कोई ऊर्जा का पार्टिकल यदि बम्बार्ड करे, उससे टकराए, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी आइडेंटिटी में जो चेंज आता है वो उसकी नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा लिखा जाता है। द बम्बार्डिंग पार्टिकल मे बी एन अल्फा पार्टिकल, अ गामा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटोन और अ हैवी आयन। अब ये जो बम्बार्ड करने वाला पार्टिकल है, कण है, वो अल्फा, गामा, फोटोन, न्यूट्रॉन, प्रोटोन या कोई भी कोई हैवी आयन हो सकता है। एंड इन एनी केस द बम्बार्डिंग पार्टिकल मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू अप्रोच द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस टू विद इन द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये ज़रूरी है कि जो बम्बार्ड करने वाला, टकराने वाला पार्टिकल है, उसके पास पर्याप्त ऊर्जा हो जिससे कि वो धनावेशित नाभिक के पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा पहुँच सके। नाउ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू रिएक्टिंग पार्टिकल्स। एक नाभिक अभिक्रिया में दो तरह के क्रियाशील या हम कह सकते हैं क्रियाकारक पार्टिकल्स हो सकते हैं। अ हैवी टारगेट न्यूक्लियाई, एक भारी न्यूक्लियस जिस पर दूसरा पार्टिकल बम्बार्ड करेगा जो कि हल्का होता है। एंड प्रोड्यूसेस टू न्यू पार्टिकल्स, और उत्पाद के रूप में भी हमें दो कण प्राप्त होते हैं, अ हैवियर प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड ए लाइटर इजेक्टेड पार्टिकल। एक भारी उत्पाद नाभिक और दूसरा एक हल्का उत्सर्जित होने वाला कण। इन द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियर रिएक्शन अर्नेस्ट रदरफोर्ड बम्बार्डेड नाइट्रोजन विद अल्फा पार्टिकल एंड आइडेंटिफाइड द इजेक्टेड लाइटर पार्टिकल एज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और प्रोटोन एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई एज अ रेयर ऑक्सीजन आइसोटोप। सबसे पहले 1919 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और ये देखा कि जो उत्सर्जित होने वाला हल्का कण है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है या प्रोटोन है, और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई एक ऑक्सीजन का आइसोटोप है। नाउ एज इट बिकम पॉसिबल टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू इंक्रीजिंगली ग्रेटर एनर्जी, मेनी हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैव बीन ऑब्जर्व। और इससे ये संभव हो पाया कि बहुत सारी नाभिकीय अभिक्रियाओं की हम स्टडी कर सकें जिनमें वैरायटी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि मीजोन्स, बारियॉन्स एंड रेजोनेंस पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ नाभिकीय अभिक्रियाओं का। अब हम जब सेपरेशन पर आते हैं तो सेपरेशन एक्चुअली किस तरह की नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं वो हमें देखना है। सेपरेशन हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिसमें टारगेट न्यूक्लियस यानी कि जिस पर आक्रमण किया जाएगा स्ट्रक बाय एन इंसिडेंट और बम्बार्डिंग पार्टिकल ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन अबाउट 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजेक्ट न्यूमरस लाइटर पार्टिकल एंड बिकम अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस करस्पॉन्डिंगली लाइटर देन द ओरिजिनल न्यूक्लियस। सेपरेशन एक उच्च ऊर्जा वाली वो नाभिक अभिक्रियाएँ हैं जिनमें नाभिक या उस न्यूक्लियस पर एक इंसिडेंट यानी कि बम्बार्ड करने वाला पार्टिकल जिसकी ऊर्जा लगभग 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उससे टकराता है, और उसके टकराने के फलस्वरूप बहुत सारे छोटे हल्के पार्टिकल्स बनते हैं और एक उत्पाद न्यूक्लियस या उत्पाद नाभिक भी बनता है जिसका कि वेट या जिसका हम कह सकते हैं कि भार ओरिजिनल न्यूक्लियस की तुलना में कम होता है।
नाउ द लाइट इजेक्टेड पार्टिकल्स मे बी न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड वेरियस कॉम्पोजिट पार्टिकल्स इक्वलन टू न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम आइसोटोप्स. तो जो उत्सर्जित होने वाले छोटे हल्के कण हैं वो न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, या कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम या लिथियम के आइसोटोप्स. एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियस, वो भी जो उत्पाद नाभिक बनता है वो भी अपने टारगेट न्यूक्लियस की तुलना में हल्का होता है. सीबर्ग एंड देयर कलीग्स आर क्रेडिटेड फॉर सच रिएक्शन. इन अभिक्रियाओं के लिए सीबर्ग, ये जो साइंटिस्ट थे वो और उनके कलीग्स को उसका क्रेडिट दिया जाता है. उन्होंने ये देखा था कि 400 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के न्यूट्रॉन्स 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बम्बार्ड होते हैं न्यूक्लियस पर, तो कुछ दो न्यूक्लियस नहीं बनते बल्कि जैसा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में होता है, बल्कि ये जो न्यूक्लियाई बम्बार्ड होते हैं टूटते हैं वो 10 से 20 या लगभग 30 से ज़्यादा पार्टिकल्स एमिट करते हैं और एक डॉटर न्यूक्लियाई भी बनता है जिसका एटॉमिक मास अपने पेरेंट न्यूक्लियाई की तुलना में कम होता है. नाउ ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सेपरेशन रिएक्शंस. यानी कि वे अभिक्रियाएँ जिनमें लक्ष्य नाभिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, समुत्खंडन या सेपरेशन रिएक्शंस कहलाती हैं. ये रिएक्शंस हल्के और भारी दोनों तरह के न्यूक्लियस में होती हैं. फिशन यानी कि नाभिकीय फिशन जिसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन, और सेपरेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही अंतर है और वो है प्रोडक्ट के मास नंबर का या द्रव्यमान संख्या का. सेपरेशन रिएक्शन में पार्टिकल्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है या संभव नहीं होता. अब यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न का भी ले लेते हैं. न्यूक्लियर फिजन फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न को हमने यहाँ चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है. पहले चित्र में आप देखेंगे यूरेनियम 235 है जो कि न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन होकर एक अनस्टेबल, एक अस्थायी इंटरमीडिएट U-236 बनाता है जो स्प्लिट हो जाता है बेरियम 144, क्रिप्टॉन 89 और 3 न्यूट्रॉन्स में, और ये प्रक्रिया कहलाती है न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन. और दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये कंबाइन होकर न्यूक्लियर फ्यूज़न या संलयन के द्वारा हीलियम और न्यूट्रॉन को बनाते हैं. तो फ्यूज़न मतलब संलयन यानी जुड़ना, जिस हम कह सकते हैं कि हल्के नाभिकों के संलयन द्वारा भारी नाभिकों का निर्माण होना तो संलयन या फ्यूज़न कहलाता है, जबकि भारी नाभिक का लगभग दो बराबर द्रव्यमान संख्या के नाभिकों में विभाजित होने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है. इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक जो और आगे कंटिन्यू करेंगे वो है क्यू वैल्यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्यू के मान की गणना. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्यू का वैल्यू वह ऊर्जा की मात्रा है जो नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है. सामान्य तौर पर नाभिकीय रसायन में अभिक्रियाओं के द्वारा मुक्त ऊर्जा की मात्रा को ही अभिक्रिया की क्यू वैल्यू कहते हैं, और इसका मान रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी या रेडियोएक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऊर्जा से संबंधित होता है. इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, और इसे ज्ञात करने के लिए अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों का ज्ञात होना जरूरी है. क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वलेंस रिएक्शन. आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा के सिद्धांत के द्वारा इसे कैलकुलेट किया जा सकता है. इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है. क्यू वैल्यू यदि धनात्मक होती है तो उसे हम एक्सॉर्जिक रिएक्शन कहते हैं यानी कि ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं, और यदि क्यू वैल्यू का मान नेगेटिव होता है तो उसे एंडोर्जिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं. अब यहाँ हमारे पास क्यू वैल्यू की गणना के लिए कुछ इक्वेशंस हैं. ये छोटा सा जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं ये उसी का एक पार्ट है कि क्यू वैल्यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं या उसे कैसे लिखा जाता है. द क्यू वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन इज़ गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एम एस प्लस एम ए माइनस एम बी प्लस एम ए एम बी. यहाँ एम ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है,
फाइनल प्रोडक्ट है और एम सी स्क्वायर में हमने इसे वैल्यू रख के इस इक्वेशन को निकाला है। अब हम बात करेंगे इसकी एनर्जेटिक्स की या इसकी ऊर्जा की। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। रिएक्शन ऑफ क्यू वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इफ द मासेज ऑफ इन्वॉल्व न्यूक्लियर आर नॉट नोन। क्यू वैल्यू हम गणना कर सकते हैं यदि हमें न्यूक्लियाई जो कि इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके मासेज या द्रव्यमान संख्या ना पता हो, और ये उस काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के पार्टिकल से भी प्रभावित नहीं होती या उनके बराबर नहीं होती जो इस पर बम्बार्ड करने वाला है या इससे टकराने वाला है। अमाउंट जो कि काइनेटिक एनर्जी का है वो प्रोजेक्टाइल के मास पर निर्भर करता है, यानी कि जो कण इससे टकराएगा उसके मास पर निर्भर करता है, और रिटेन काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीजिंग टारगेट मास से कम होती है। तो इक्वेशन जो हमारे पास बनती है, हैवियर टारगेट टू प्रोजेक्टाइल, ए प्रोजेक्टाइल अपॉन ए प्रोजेक्टाइल प्लस टारगेट टू क्यू। ये वैसे आपको ज़्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक सिंपल इक्वेशन रिलेशनशिप थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब ये सिंपल सा जो आपको ज़रूरी याद रखना है वो ये पैराग्राफ है कि रिएक्शंस के लिए क्यू वैल्यू का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब वहाँ देर इज़ ए मास लॉस इन द रिएक्शन, यानी कि वहाँ अभिक्रिया में द्रव्यमान में कमी होगी। देर इज़ ए रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा इसमें से निकलेगी और Q का मान पॉजिटिव होगा। वेयर एज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन देर इज़ ए गेन ऑफ मास इन द रिएक्शन, यानी कि एंडोथर्मिक ऊर्जा अभिक्रिया में द्रव्यमान में वृद्धि होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलती है हमें इनकमिंग पार्टिकल के, और क्यू का मान नेगेटिव होता है। एंड द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी फॉर द रिएक्शन इज अकर एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये हमारा जो क्यू वैल्यू से रिलेटेड टॉपिक था, उसमें दो तीन जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है वो हमने यहाँ पर इसमें इंक्लूड की हैं। बच्चों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ये जितने भी टॉपिक हम आखिर में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेपरेशन है, चाहे न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूज़न है, और या क्यू वैल्यूज़ है, इससे पहले हमने दो छोटे छोटे टॉपिक और पढ़े थे, ये सभी रिएक्शन हमें शॉर्ट नोट के रूप में याद करने होते हैं। अब इसके बाद हमारा इस लेसन से एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन, थैंक यू।